नमस्कार, माँ की रसोई में आपका स्वागत है। मैं ममता शर्मा आज बनाने जा रही हूँ मिश्रित सब्जी का अचार। मिश्रित सब्जी का अचार बनाने के लिए हमें सामग्री चाहिए। कटी मूली 1 कप, कटी गाजर 1 कप, कटी शलगम 1 कप, मटर 100 ग्राम, कटा अदरक 50 ग्राम, हरी मिर्च 10 से 12 या आवश्यकता अनुसार, साबुत धनिया 2 चम्मच, राई 3 चम्मच, सौंफ 1 चम्मच, हल्दी 1 चम्मच, जीरा 1 चम्मच, पिसी लाल मिर्च 1 चम्मच या स्वाद अनुसार, गरम मसाला 1/2 चम्मच, नमक स्वाद अनुसार, गुड़ 100 ग्राम, सिरका 1/2 कप, आमचूर 1/2 चम्मच, काली मिर्च 1/2 चम्मच, कलौंजी 1/2 चम्मच, तिल का तेल 1/2 कप, हींग 1/4 चम्मच, पानी 1/2 कप, अजवायन 1/2 चम्मच, मेथी दाना 1/2 चम्मच। सबसे पहले सभी सब्जियों को छील कर धोकर मनचाहे आकार में काट लेंगे। ऐसे ही हरी मिर्च को धोकर बीच से लंबाई में काट देंगे। गैस जलाएंगे और कढ़ाई में राई, धनिया, सौंफ, काली मिर्च, अजवायन, मेथी दाना, जीरा डालकर चलाते हुए 30 सेकंड तक मध्यम आंच पर भून लेंगे। गैस को बंद कर देंगे और प्लेट में ठंडा होने के लिए रख देंगे और मिक्सी जार में डालकर दरदरा पीस लेंगे। दोबारा गैस जलाएंगे और हांडी में गुड़, सिरका, पानी डालकर चलाते हुए पकाएंगे। हमने यहाँ सिरका और पानी दोनों को बराबर मात्रा में लिया है। घोल 1/2 हो चुका है। हांडी को चूल्हे से अलग कर देंगे। अब कढ़ाई रखेंगे और तेल डालकर गरम करेंगे। अब इसमें कटा अदरक, हरी मिर्च डालकर 30 सेकंड तक मध्यम आंच पर चलाते हुए भून लेंगे। हींग, गाजर, शलगम, मूली, मटर, स्वाद अनुसार पिसी लाल मिर्च, हल्दी, नमक स्वाद अनुसार, आमचूर, कलौंजी डालकर सामग्री को चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक मध्यम आंच पर पकाएंगे। अब इसमें पिसा हुआ मसाला डाल देंगे और चलाते हुए 2 मिनट तक और भून लेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं। गुड़, सिरका और पानी का बना हुआ मिश्रण डालेंगे जो कि हमने पहले से बनाकर रख लिया था, और चलाते हुए मध्यम आंच पर 1 उबाल आने तक पकाएंगे। गरम मसाला डालेंगे और एक बार फिर से चलाएंगे। गैस को बंद कर देंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा होने के बाद हवा बंद डब्बे में भर कर रख देंगे। आप इसको 6 से 7 महीने के लिए बनाकर रख सकते हैं, और जब आपका मन चाहे तब आप पूड़ी, पराठा, रोटी, चावल आदि के साथ सेवन कर सकते हैं। हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स में बताएं, और यदि आपका कोई सवाल है तो उसको भी आप पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और हमारे चैनल की सदस्यता अवश्य लें, यानी कि सब्सक्राइब करें। इस विधि को आप हमारी वेबसाइट maankirasoi.net पर भी पढ़ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक और नए व्यंजन के साथ। धन्यवाद।